महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर ठनी हुई है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सरकार गठन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शरद पवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी और शिवसेना राज्य में सरकार बनाए, हमें जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए चुना है और हम विपक्ष में ही बैठेंगे। शरद पवार के ये बयान शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से मुलाकात के बाद आया है। शरद पवार ने आगे कहा कि मेरे पास अभी तक कहने के लिए कुछ भी नहीं है, महाराष्ट्र की जनता से बीजेपी और शिवसेना को बहुमत दिया है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द सरकार बनानी चाहिए, हमारा जनादेश विपक्ष की भूमिका निभाना है। उन्होंने आगे कहा, एनसीपी शिवसेना का सरकार बनाने का सवाल कहाँ है? बीजेपी शिवसेना 25 साल से साथ है, वो आज या कल फिर से एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। पवार ने आगे कहा, मैं 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, अब फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए मुझे ज्यादा बेसब्री नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने क्या फैसला लिया है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि आज सुबह संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा, शरद पवार राज्य और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं। वे महाराष्ट्र की आज की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हमारे बीच संक्षिप्त बातचीत हुई है। शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मिलने गए थे। दरअसल चुनाव नतीजे आने के बाद से शिवसेना 50-50 के फार्मूले की रट लगाई हुई है। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी से 50-50 के प्रस्ताव पर ही बात होगी, इसके अलावा किसी पर नहीं। आज सुबह मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा, बीजेपी और शिवसेना के बीच शुरुआत से एक लाइन का ही प्रस्ताव तय था। चुनाव से पहले गठबंधन की जब चर्चा हो रही थी तब यही हुआ था। उस वक्त जो बात तय हुआ था वो यही प्रस्ताव है, इसलिए नया प्रस्ताव लाने में टाइम क्यों खराब करना, जो पहले तय हुआ था उसी पर आगे बढ़ें।